मोतिहारी में डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने स्तर से घरों में ही सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि सरकार के गाइडलाइन के फॉलो करने से कोरोना नामक वायरस को हराया जा सकेगा। उन्होंने मोतिहारी की जनता को आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जरूरत की सभी सामानें वहां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए मोतिहारी की जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और खुद से भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से संदेश जारी किया है। क्या कहा है, आइए देखिए स्पॉटलाइट। नमस्कार, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के सभी जिलावासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोविड-19 का जो प्रकोप पूरे विश्व में हो रहा है, इसमें आपने काफ़ी धैर्य का, साहस का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो काम जिला प्रशासन कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के आप सभी लोग जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि आज से जो है लॉकडाउन पूरे भारत में लागू हो चुका है। इस लॉकडाउन में कुछ अनिवार्य सेवाएं जो है एग्जेम्प्ट की गई है, जिसमें रक्षा है, केंद्रीय सशस्त्र बल है, कोषागार की सेवाएं हैं, जिला प्रशासन की सेवाएं हैं, पुलिस की कुछ सेवाएं हैं, नगर निकायों की सफाई की सेवाएं हैं। इसके अलावा जो इसेंशियल सेवाएं हैं, दूध की गाड़ी है, फल सब्जियां हैं, ग्रॉसरी किराना माल की दुकान है, इन सबको भी जो है इससे अलग रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, साथ ही सरकारी स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो भी अबाधित रहेगी। पूर्वी चंपारण की जिलावासियों को मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। विशेष तौर पे मैं अनुरोध करूंगा कि जो फूड सप्लाई है वो हमारा ठीक से हो रहा है। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ जगह पे जो है अनाज के दाम बढ़ा दिए गए हैं, फल सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, परंतु जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा जो है समय समय पर जो है इस पे जो है निगरानी रखी जा रही है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आपको प्राप्त होती है तो हमारे जिला कंट्रोल रूम 06252-242418 पे आप बेझिझक किसी भी समय पे फ़ोन कर सकते हैं। किसी जिलावासियों को अगर मेडिकल स्वास्थ्य फैसिलिटी के संदर्भ में कुछ कहना है, कुछ आशंकाएं हैं, कुछ लाभ लेना है, तो उसी कंट्रोल रूम पे पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ 06252-242418 पे आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ चिकित्सक भी बैठे हुए हैं, वो आपको मेडिकल ओपिनियन भी देंगे। मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जो है विदेश से एवं अन्य राज्यों से जो लोग हमारे यहाँ पे आए हैं उनकी संख्या 4092 है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। परंतु निश्चित ही हर व्यक्ति के पास हम जाएंगे, उनको मेडिकल फैसिलिटी देंगे और उनकी जितने भी समस्या है उसको दूर करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। अभी जो है PHC लेवल से प्रतिदिन जो है 4-4 मेडिकल टीम्स जो है प्रत्येक पंचायत में विजिट कर रही है, वहाँ पे वो आ रही है। और जो ऐसे हमारे जिलावासी जो बाहर के राष्ट्र से आए हैं, विदेश से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहाँ पे पॉजिटिव केसेस प्राप्त हुए हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोगों को जो है अपने आप को आइसोलेट करना है जो बाहर से आए हैं। इस आइसोलेशन में जो है पूरी पंचायत को सहयोग देना है, पूरे हमारे गांव को सहयोग देना है कि ये लोग जो है इधर उधर ना जाए, वहाँ पे एक ही व्यक्ति जो है इन लोगों को अटेंड करे। इसमें भी कुछ लोगों के पास जो असिम्टोमेटिक है, जिनमें कोई इस तरीके के लक्षण नहीं है, विशेष तौर पे उन लोगों को भी बाहर नहीं जाना है। जिनके पास लक्षण है उनके द्वारा इमिडिएटली जो है मेडिकल ओपिनियन प्राप्त करना चाहिए। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं अपील करूँगा कि ऐसा कोई संदिग्ध आपके यहाँ पर है तो जिला कंट्रोल रूम में निश्चित तौर से आप बताएं, हम इनको मेडिकल ओपिनियन भी देंगे और कोरोना से फाइट करने में हम उनकी मदद भी करेंगे। कोरोना को निश्चित ही जो है हम फाइट करेंगे और इसमें निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। कुछ राहत राज्य सरकार के द्वारा भी दी जा रही है, जो हमारे पेंशनधारी जो है उनको लिए अगले 3 माह का अग्रिम पेंशन जो है स्वीकृत किया जा रहा है। साथ ही ओलावृष्टि से जो किसानों का नुकसान हुआ था उनको भी जो है राहत की राशि उपलब्ध की जा रही है। 1,000 रुपये प्रति कार्डधारी को जो है राशन कार्डधारी को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अलावा भी पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो पंचायत सफाई के मामले में कोरोना 19
जो हमारा लॉकडाउन है उसका प्रोटोकॉल फॉलो करने में, इसके अलावा प्रशासन को सहयोग देने में अच्छा काम कर रहा है। माननीय मुख्य सचिव के द्वारा भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बताया गया है कि उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। पुनः एक बार मैं जिलावासियों को अपील करूंगा कि घबराना नहीं है, हम सब लोग मिलकर जो है कोविड-19 कोरोना वायरस के साथ इस लड़ाई को जीतेंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे साथ रहेंगे तो निश्चित ही ये फासला 21 दिनों का जो है हम बहुत खुशी के साथ जो है तय करेंगे। धन्यवाद।